दोस्तों आज के टाइम में आधार कार्ड एक बेहद ही जरूरी डॉक्यूमेंट बन गया है, जिसके बिना कि कोई भी काम, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी काम हो, उसके बिना नहीं हो सकता है। और अगर आपके पास आधार कार्ड भी है और उसमें मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, फिर तो आपको बहुत ज़्यादा समस्या आ जाती है। उसके बिना तो फिर कोई काम हो ही नहीं सकता। अब उसके लिए आप आधार कार्ड सेंटर या CSC सेंटर वालों या साइबर कैफे वालों के चक्कर काटते रहते हैं और आपका टाइम बर्बाद होता है, फिर भी काम नहीं हो पाता है और पैसे लगते हैं वो अलग। तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आपको एक बेहद ही आसान तरीका बताने वाला हूँ, जिसमें ना आपका एक पैसा लगेगा ना टाइम लगेगा और आप अपने आप ही घर बैठे अपने तरीके से आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे इसको करते हैं घर बैठे ही। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है IPPB। ठीक है, अब इसको जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये वाली वेबसाइट खुल के आ जाएगी, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की। इस वाली वेबसाइट पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें बहुत सारी सर्विसेज दी गई हैं, इसको यहाँ से हम हटा देंगे। और यहाँ पर आपको ये वाली सर्विस दी हुई है सर्विस रिक्वेस्ट की, इसमें आपको नॉन IPPB कस्टमर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखने को मिलेगा। इसमें आपको पहले वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, सर्विस रिक्वेस्ट फॉरम डोरस्टेप बैंकिंग। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको फिर से बहुत सारी सर्विसेज देखने को मिलेगी, जितने टाइप के आप अपने करेक्शन कर सकते हैं या कोई पेमेंट करने या कोई इंश्योरेंस करना या लोन वगैरह लेना है, वो सब यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर आपको आधार मोबाइल अपडेट दिखाई दे रहा है, इस वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। जब इसको आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन में आप मेल है या फीमेल है उस हिसाब से इसमें आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम आप अपना डालना है और यहाँ पर लास्ट नेम डालना है। फर्स्ट नेम आप अपना एक वर्ड का नेम है तो खाली फर्स्ट नेम डाल दें, उसमें कोई कंपलसरी नहीं है लास्ट नेम डालना। अब उसके बाद यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि कंपलसरी है, और यहाँ पर आप साइड में देखेंगे आपको यहाँ पर ईमेल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप इसमें अपना ईमेल भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एड्रेस फर्स्ट लाइन। अब ये क्या होता है कि एड्रेस फर्स्ट लाइन और एड्रेस सेकंड लाइन, इसमें ज़्यादातर लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, इसमें बड़ी दिक्कत आती है। इसमें आपको करना क्या है कि आपका जितना भी एड्रेस है उसको दो टुकड़ों में करके लिखना है, आधा इसमें लिखना है और आधा इसमें लिखना है इधर के साइड। फिर उसके बाद नीचे आके आपको यहाँ पर अपना पिन कोड डाल देना है और यहाँ पर अपना नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस डाल देना है, मतलब सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से सेलेक्ट का ऑप्शन आ जाता है, ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। बस इतना डालने के बाद ये नीचे के जितने भी ऑप्शन हैं ये अपने आप फिल हो जाएंगे, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन दिखाई देगा एनी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट का, इसमें आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अगर आपको और भी कुछ चेंज कराना है वो इसमें आप लिख देंगे तो वो भी आपकी प्रॉब्लम साथ के साथ ठीक हो जाएगी। किसी भी तरह के कोई एड्रेस वगैरह की कोई दिक्कत है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। यहाँ थोड़ा नीचे आने पर आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा, इसमें आपको टिक कर देना है। और इसके बाद यहाँ पर एक कैप्चा दिखाई देगा, इस कैप्चा को आपको यहाँ नीचे फिल कर देना है वहाँ से ऊपर से देख के। और फिर आपको ये कैप्चा समझ में नहीं आ रहा तो आप यहाँ से जाके दोबारा से इसको रीजनरेट भी कर सकते हैं और अपने हिसाब से यहाँ पर इसको सबमिट कर देना है। बस इतना ही आपको करना है और आपका जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करने का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। वैसे तो ये बताया जाता है कि 48 घंटे में अपडेट हो जाता है, लेकिन हो सकता है आपका ज़्यादा टाइम भी लग जाए, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बाद में आपको चेक कर लेना है थोड़े टाइम बाद। इस तरह से आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट या लिंक कर सकते हैं और आपको कहीं भी साइबर कैफ़े वाले के पास या CSC सेंटर वाले के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका घर बैठे ही सारा काम हो जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। अगर आप साइबर कैफ़े वाले के पास जाते हैं तो वहाँ आपका चार्ज भी लगेगा और यहाँ पर फ्री में हो जाएगा।